खासकर महाराष्ट्र में। जी हाँ, मुंबई में गणेश पंडाल अलग अलग थीम पर बनाए गए हैं और मुंबई के सांता क्रूज में वंदे भारत पर विराजमान गणपति आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पूरी दुनिया में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जा रही है। लोग बप्पा के आशीर्वाद के लिए दूर दूर से आ रही हैं। हर कोई अपने तरीके से गजानन की आराधना कर रहा है। ये मुंबई के सांता क्रूज की तस्वीरें हैं, जहां गणेश भक्त दीपक मकवाना ने अपने घर के भीतर गणपति को वंदे भारत पर विराजमान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वंदे भारत इस पूरे साल चर्चा में रहा, और फिर जब हम सबके प्यारे गणपति बप्पा हमारे बीच आए तो उनकी भी इच्छा हुई कि वो भी वंदे भारत में यात्रा कर सके। फिर भला बप्पा को कोई कैसे रोक सकता था। देखिए, बप्पा वंदे भारत एक्सप्रेस में विराजमान हो चुके हैं और उन्होंने मुंबई से गांधीनगर की टिकट भी ले ली है। देख सकते हैं तस्वीर, गणेश उत्सव के दौरान पूरे देश में अलग अलग थीम के गणपति बप्पा जो हैं वो पंडालों में, घरों में विराजमान दिखाई देते हैं। ऐसे में एक भक्त ने भगवान गणेश को वंदे भारत एक्सप्रेस में ही विराजमान कर दिया है। वंदे भारत पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसकी वजह से पूरे देश में रेल कनेक्टिविटी बढ़ी है, लोग आसानी और तेजी से सफर कर पा रही हैं। यही वजह है कि दीपक मकवाना ने इस साल वंदे भारत की तर्ज पर पंडाल को सजाया है। एक्चुअली हर साल में भारत में जो डेवलपमेंट होता है मेकिंग इंडिया का, जो नरेंद्र मोदी का कॉन्सेप्ट है मेकिंग इंडिया, वो थीम पे मैं डेकोरेशन करता हूँ। आप देख सकते हैं इस साल जो नई वंदे भारत लॉन्च हो रही है केसरिया रंग में, वो मैंने थीम रखा हुआ है, और गणपति बापा को भी वंदे भारत ट्रेन पे बिठाया हुआ है। और ये जो है वंदे भारत ट्रेन की टिकट है, आपको भी मैं देना चाहूंगा वंदे भारत ट्रेन की टिकट। शुक्रिया। मतलब हम भी अब टिकट के साथ बैठ सकते हैं और आप देख सकते हैं, देखिए बप्पा के हाथ में भी टिकट है। तो बप्पा जो है वो विदाउट टिकट नहीं बल्कि बकायदा टिकट लेकर जो है वो इस वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे हैं। हालांकि गणपति का हर पंडाल बेहद खूबसूरत होता है, हजारों लोग बप्पा की शरण में आकर उनसे ताकत और शक्ति मांगते हैं, लेकिन वंदे भारत वाला ये पंडाल लोगों के बीच खासा मशहूर हो रहा है। पूरे पंडाल को बेहद खास तरीके से सजाया गया है, हर एक बारीक डिटेल का ध्यान रखा गया। ट्रेन के भीतर कंट्रोल पैनल भी बनाए गए, इसमें स्पीड, फ्यूल और दूसरी चीजों के इंडिकेटर भी दिखाए गए। वहीं ट्रेन में आगे का रास्ता दिखाने के लिए एक डिवाइस लगाया गया। बप्पा के हाथ में टिकट भी है, यानी इस पंडाल को हूबहू वंदे भारत की शक्ल देने की कोशिश की गई। पेशे से इंटीरियर डिजाइनर दीपक मकवाना पिछले 32 सालों से अपने घर पर गणेश जी स्थापित करते हैं। हर साल उनके पंडाल का एक खास थीम होता है। इससे पहले वो बांद्रा वर्ली सीलिंग, मुंबई मेट्रो, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और अयोध्या के राम मंदिर जैसी थीम का पंडाल डिजाइन कर चुके हैं। गणपति आराधना के इस पावन पर्व को पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और भक्त गणपति को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। हम देख रहे हैं ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को इन्होंने घर में ही तैयार कर लिया है, और देखिए बकायदा पूरा स्टेशन जो है वो घर में बनाया गया। मैं चाहूंगा एक बार मैं घर की तस्वीर दिखाऊं आपको। देखिए ये मंदिर है, और ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये घर के कमरे में ही किया गया है। तो ये मंदिर है, और मंदिर के ठीक सामने जो है वो बप्पा को इस वंदे भारत एक्सप्रेस में विराजमान किया गया है, और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारत जो है वो कितनी गति से प्रगति कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। आमतौर पर वंदे भारत में आपने यात्रियों की सवारी देखी होगी, लेकिन इस बार भगवान श्री गणेश स्वयं वंदे भारत में विराजमान हैं। ये नजारा महाराष्ट्र के मुंबई का है, जो कि सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वंदे भारत की थीम के उद्देश्य के साथ इंटीरियर डिजाइनर दीपक मकवाना ने ये पंडाल तैयार किया है। इसे बनाने में उन्हें 20 से 25 दिन का वक्त लगा। सोशल मीडिया में आता था कि न्यू वंदे भारत 30 तारीख को जो लॉन्च होने वाली है, नव वंदे भारत, वो कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा था, और ये बनाने को मुझे करीबन 20 से 25 दिन लगे थे। और बेसिकली मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे आर्ट वर्क में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, ये सब थोड़ा आर्ट शो करने में। ये इको फ्रेंडली गणपति है, शाडू माटी की गणपति है, और इसको हम लोग पौंड में ही विसर्जन करते हैं। ये गणपति 5 दिन का गणपति है, और ये मेरा 32वां साल है।
जब आगामी 30 सितंबर को महाराष्ट्र को नई वंदे भारत मिलने जा रही है, तो ऐसे में इस पंडाल को वंदे भारत की थीम पर उन्होंने बनाने का सोचा। एवरी ईयर जो मेकिंग इंडिया होता है, इंडिया पे प्राउड मोमेंट होता है, वो मैं स्केल पे थीम बनाता हूँ गणपति डेकोरेशन के लिए। इस साल मैंने ये न्यू वंदे भारत ट्रेन उसका पूरा थीम दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ट्रेन का पूरा मैंने सेटअप किया हुआ है। आपको ऐसे लगेगा कि आप कोई प्लेटफॉर्म पे आ गए हो, छत्रपति शिवाजी महाराज प्लेटफॉर्म पे। मैंने वंदे भारतम ट्रेन का पूरा थीम रखा है और ये ट्रेन 30 तारीख को लॉन्च होने वाली है। नवी वंदे भारतम आ रही है केसरिया रंग में और ये ट्रेन में फैसिलिटीज, पहले जो फैसिलिटी आती थी वंदे भारत ट्रेन में उससे ज्यादा फैसिलिटीज है। इसमें स्लीपिंग बर्थ वगैरह भी रहने वाले हैं और ये काफी फ्यूचरिस्टिक रहेगी। बीते कई सालों से दीपक मेक इन इंडिया को दर्शाते हुए पंडालों का निर्माण करते आए हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही करने का प्रयास किया है। साल एक्चुअली इंडिया में जो डेवलप होता है वो स्केल पे मैं रहता हूँ। इसके पहले मैंने राम मंदिर किया था, चंद्रयान 2 किया था, वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेल ब्रिज है चिनाब रिवर पे वो किया था, इंडियन कोविड वैक्सीन किया था, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, मुंबई मेट्रो किया था। जो इंडिया में डेवलप होता है वो स्केल पे मैं डिजाइन करता हूँ गणपति डेकोरेशन के लिए। पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम के साथ साथ तरह तरह के पंडाल और बप्पा के अनोखे मूर्तियों की झलक भी देखने को मिल रही है, जो कि बेहद मनमोहक और अद्भुत है। ऐसे में ट्रेन में विराजमान गजानन और वंदे भारत ट्रेन की थीम पर बना ये पंडाल उन्हीं झलकियों में से एक है। बता दें कि इस बार गणेश उत्सव की शुरुआत 19 सितंबर से हुई है, जो कि अनंत चतुर्दशी तक चलेगी।